लेडीज लोगों को जितना हो सके आप ऐसा गिफ्ट दोगे तो अच्छा ही लगता है। ये कितना सुंदर है ना, कलरफुल कलरफुल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे कि आज है धनतेरस, धनतेरस का दिन थोड़ा सा स्पेशल रहता है। हम पूजा करते हैं, घर पे रहते हैं, दिया जलाते हैं, तो वो सब तो है। कल एक्चुअली हमारे घर में मेहमान आए थे, तो कल से ही हमारा दिवाली शुरू हो गया था। कल पूरा दिन हमने बहुत अच्छे से स्पेंड किया, मौज मस्ती किया, खाना पीना। मैं ना उस टाइम पे वीडियोस नहीं किया क्योंकि मेहमानों को बहुत ज़्यादा टाइम देना था। मैं आपके साथ छोटा मोटा क्लिक शेयर कर दूंगी। अभी मुझे बनाना है ब्रेकफास्ट। मैं सोच रही हूँ आज पराठा और सब्जी बनाऊंगी। वो दोनों तो सो रहे हैं। मैं सोचा आपके साथ थोड़ी देर के लिए बात कर लेती हूँ। आमने सामने आपके साथ बात नहीं हो पाई ना बहुत दिनों से, तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। इवनिंग के टाइम पे मैं जाऊंगी मार्केट, कुछ धनतेरस के लिए लेना है। आपके साथ तो सब कुछ शेयर कर दूंगी, पहले आप देख लीजिए कल का हमारा छोटा सा एक क्लिप। फोटो में नहीं आ रहा है सब। अच्छा उधर से फोटो में ले सकते हैं। हेलो हेलो छोटा बेबी, हेलो दूदू, हेलो छोटा बेबी, हेलो छोटा बेबी। हाँ यही आना दीदी, यही बैठिए। उस दिन मैंने दिखाया था ना कि फिनिक्स मॉल में एक छोटा मेला टाइप का लगा है, तो वहाँ से मैंने ये दो खरीदा था। मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया तो मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ। मैं सोच रही हूँ इसके अंदर मैं घी रखूँगी, इसके अंदर मैं नमक रखूँगी, जो हैंडी होएगा सब मतलब सामने रखूँगी तो हमेशा ऐसे यूज़ कर सकती हूँ, ये मैंने सोचा है। बट फिलहाल के लिए खाली है। सेरेमिक के पॉट्स अमेजोन में भी ढूँढ सकते हो, अगर किचन में रखते हो ना तो ब्राइट लगता है किचन। तो मैंने सोचा ये दो मैं किचन में सजा के रखूंगी एकदम काउंटर टॉप में। जो फ्रेंड्स आए थे ना घर पे, वो नए घर में पहली बार आए थे, इसलिए हमारे लिए दो गिफ्ट लेके आए हैं। मैं दिखाती हूँ आपको, चलिए। ये रहे वो दो बिस्कुट्स और स्नैक्स के लिए दो डब्बा। मुझे बहुत पसंद आया, बहुत क्यूट लगा, तो मैंने अभी के लिए इसको क्रॉकरी यूनिट में रख दिया है। वैसे ना लेडीज़ लोगों को जितना हो सके आप ऐसा गिफ्ट दोगे तो अच्छा ही लगता है। मुझे तो बहुत पसंद आता है किचन के लिए कोई कुछ गिफ्ट देता है ना, मुझे बहुत पसंद आता है। तो वो गिफ्ट फिलहाल के लिए तो मैंने रख दिया है, बाद में मैं उसको यूज़ करूँगी। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। सारा दिन क्या क्या होगा वो तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। एक सरप्राइज़ तो है, बाद में आपके साथ शेयर करूँगी धीरे धीरे। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। पहले यहाँ पे मैं लंच बना रही हूँ। ये सिंपल सा दाल है जो मैंने रांधुनी फोरन डाल के बनाया है, और इसमें मैं बना रही हूँ मिक्स वेज। मिक्स वेज मैं बहुत ज़्यादा ही बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है डिफरेंट डिफरेंट सब्जी के साथ। ये जो बनता है ना रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनता है। मैंने यहाँ पे सारे ड्राई स्पाइसेस और थोड़ा सा जिंजर का पेस्ट और शुगर थोड़ा ज़्यादा करके यहाँ पर डालना है। बस इसी के साथ मैं ये सब्जी ड्राई ड्राई भून के बनाऊंगी चलाते हुए। ज़्यादा पानी अभी नहीं डालूंगी। और बनाऊंगी आलू सोयाबीन की सब्जी, वो भी जिंजर और ड्राई स्पाइसेस टमाटर इसके साथ। वो सब प्लांट्स मैं लेके आई थी ना उस दिन नर्सरी से, तो उसको मैंने बाहर रख दिया है। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो यहाँ पे दो रखा है स्टेप्स में, और इधर रखा है। ये देखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे लगता है, स्टेप्स स्टेप्स में ना ऐसे अगर प्लांट्स रखते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे जो है मैंने अपना मनी प्लांट रखा है जो मैंने किचन में रखा था, लेकिन ना किचन में रखने से क्या होता है ना, इसके जो लीव्स है ना इसके ऊपर ऐसे ऑयल 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 हो जाता है, तो मैंने फिर साफ़ करके इसको बाहर रख दिया। दिवाली के लिए कुछ सजाऊं कि मैं सोच रही हूँ इधर, और यहाँ पे मैंने दो प्लांट्स रख दिए
पर जो है स्टोर को मैंने कुछ इस तरह से सजा दिया है दिवाली के लिए। और बाकी ये दो प्लांट्स तो आपने देखा ही है। ओहो, ये मार्गरिटा गिर गया। रुको इधर, बेचारा पूरा दिन खड़े खड़े थक जाती है। अच्छा, और इधर ये कैसा लग रहा है इधर, मुझे बताना। मुझे तो अच्छा ही लग रहा है, कुछ डिफरेंट सा, चेंज चेंज सा लग रहा है। मिक्स वेज, यहाँ पे आलू सोयाबीन की सब्जी। वैसे डिटेल में मैंने रेसिपी नहीं दिखाई क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था। तो ये है, पीछे है आना। आना आज ये सारी जो बर्तन है तुझको साफ करके समेटना है। नहीं। क्यों नहीं, क्यों? अच्छा, और ये देखो, और मैंने बनाया है दाल। यही है आज का हमारा लंच, उसके साथ पापड़, यहाँ पे बन रहा है राइस। लगाएगी तू? पता नहीं, देखना पड़ेगा। सजा मुझे दिखाना है ना, दिवाली की सजावट चल रही है। शुरुआत अपने रूम से किया अनु? नहीं। ये कितना सुंदर है ना, कलरफुल कलरफुल। जला तो दिखाती हूँ। जला के बाद में दिखाना, पहले लगा ले। तो डे लाइट में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो तुसा पिद्दू सा एरिका पाउंड को देखो आप सब, इतना क्या मेहनत कर रही है बाबा एक बैटरी लगाने में। चलो 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 लगाओ। कोसा लगा वो छोटी तो है। तो तू ये इतना बड़ा लैडर लेके आ गई है, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे लगाएगी। यहाँ पे वैसे भी कलरफुल बहुत सारे बुक्स है ना, इतना कलर अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे लगा लगा, इधर लगा, वही तो। इतना सारा है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लगा दे। मैं नहा के आती हूँ, ठीक है? ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, आनू ने लगाई है। ये दो था तो ये इसके साथ ऐसे 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 डिजाइन बनाया है, अच्छा लग रहा है। ये वार्म कूल वाला लाइट बस इसी विंडो में लगा है, इस बारे में कुछ नहीं पता। आज जो दुकान में भीड़ है ना, क्या बताऊँ, मतलब डर लग रहा है, इतना भीड़ है। फिर भी मैंने ले लिया, मुझे जो चाहिए था मैंने ले लिया। घर जाके आपको दिखाती हूँ क्या लिया है मैंने। वो बिल कर रहे हैं। तो फाइनली घर आ चुकी हूँ, और क्या मैंने लिया, आज जो भीड़ था ना दुकान में, नहीं लोग आज शॉपिंग करने के लिए गए हैं। एक्चुअली उनका ऑफिस फिनिश हुआ फिर मैं गई, अदरवाइज मैं डे टाइम पे चली जाती तो थोड़ा सा खाली खाली मिलता। तो इस टाइम पे तो बहुत रश था। और यहाँ पे क्या होता है ना, कर्नाटका में 8 o'clock शॉप बंद कर देते हैं सब। ऐसा नहीं, कोरोना से पहले भी ऐसा ही सिस्टम था, 8:30 को शटर सब डाउन कर देते हैं। तो उसी बीच भागते भागते, हर साल ही मैं लेती हूँ तो इस साल भी मैंने ये लिया है। ये एक छोटा सा कॉइन लिया है माँ लक्ष्मी की, मैं ऐसे ही लेती हूँ। एक्चुअली लक्ष्मी गणेशा वाला जो है वो फिनिश हो गया था तो ओनली लक्ष्मी जी का लिया है मैंने। और मैंने एक चीज़ लिया है, वो है ये। ये फोकस ही नहीं कर पा रहा है, ग्लास के अंदर है ना। ये एक गणपति जी है, ये एक सिल्वर का गणपति जी है जो मैंने अलग से लिया है गाड़ी के लिए। वो आपको तो पता है गाड़ी लिया है, अभी गाड़ी में तो मैंने कुछ लगाया नहीं है तो इसलिए मैंने ये चीज़ लिया है। तो एक लक्ष्मी जी का कॉइन मिला था तो मैंने एक गणपति का ऐसे लिया है। वो जब मैं नेक्स्ट टाइम गाड़ी में जाऊँगी तो लगाऊँगी, अच्छा लग रहा है ना। एक्चुअली ये बहुत सुंदर डिज़ाइन बना हुआ है, अभी नहीं दिख रहा है कैमरा में, डिज़ाइन बहुत सुंदर है इस गणपति जी का ना, सुंदर क्यूट सा डिज़ाइन है, मुझे बहुत पसंद आया था तो ये मैंने लिया है। बस यही है, धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ तो खरीदती हूँ, हर साल बहुत पहले से खरीदती हूँ मैं, कुछ ना कुछ खरीदती हूँ। स्टील का प्लेट भी खरीद लेती हूँ कभी कभी, जैसा जब जैसा मिलता है। तो कॉइन मैं हमेशा खरीदती ही हूँ एक, तो आपने देखा होगा मेरे मंदिर में मैंने रखा है सामने, माँ लक्ष्मी के सामने मैं रखती हूँ।
तो ये था आज का, तो हैप्पी धनतेरस सबको, बहुत अच्छे से आपका ये दिवाली बीते और दिवाली खूब अच्छे से मनाओ, अच्छे से पटाखे वटाखे आई डोंट नो आपके उधर है कि नहीं, मतलब अलाउड है कि नहीं, हम तो हर साल पटाखे जलाते हैं, लास्ट ईयर नहीं जलाए थे, इस साल अगर कुछ पाबंदियाँ नहीं होगी तो थोड़ा बहुत जला लेंगे। हैप्पी दिवाली, सब बहुत खुश रहना, अच्छे से एंजॉय करो अपना फेस्टिवल। मिलती हूँ आपसे दिवाली वाली ब्लॉग के साथ। आज एक्चुअली इसके बाद सारे बालकनी में, रूम्स में, विंडोज़ में, सब जगह पे मैं लाइट्स लगाऊंगी। आज के दिन मैं रखती हूँ, आपके साथ मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में दिवाली धमाके के साथ। तो टाटा बाय बाय, खुश रहना, हैप्पी रहना और फेस्टिवल को खूब अच्छे से एंजॉय करो। माथे पे कितना सुंदर डिज़ाइन किया हुआ है देखो, और हाथ में जो लड्डू है ना वो भी चमक रहा है, डिज़ाइन खूब पसंद आया मुझे। और भी बड़े बड़े, वो देखो पटाखे फोड़ने का साउंड मिल रहा है आपको। और ये रहा कॉइन, ये है हमारा छोटा सा धनतेरस के दिन का शॉपिंग। मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।